Hi guys, this is Devanjali and you're watching Being Ghumakkar. Cricket in India is not just a sport, it is a religion. And every boy or girl, whether interested in the game or not, knows everything about it. Every sport needs proper dedication and attention to do everything right, which starts with picking up the correct bat, perfect bat, selecting the right protective gear like gloves, pads, shoes, etc. So in this video, I will show you how gloves and pads are made. इससे पहले की वीडियोज़ में हमने आपको दिखाया था कि क्रिकेट बैट और बॉल फैक्ट्री में कैसे बनते हैं. इस वीडियो में मेरे साथ रहेंगे रोहित, जो स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं. वो हमें बताएंगे कि ग्लव्स कैसे बनते हैं. अभी इस वक्त मैं मेरठ के लिसाड़ी एरिया में हूँ. आप देख सकते हैं काफ़ी संकरी गलियाँ हैं और इधर इन गलियों से आगे जाते हुए आप कह सकते हैं फैक्ट्री, एक कह सकते हैं जहाँ पे प्रोटेक्टिव गियर मैन्युफैक्चर होते हैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. आपको दिखाती हूँ कि ग्लव्स, क्रिकेटिंग ग्लव्स और पैड्स कैसे बन के तैयार होते हैं. हाय रोहित, वेलकम टू बीइंग घुमक्कर. हाय, थैंक यू. अच्छा, इससे पहले हमने अपने चैनल पर रोहित दिखाया था कि बैट और बॉल कैसे फैक्ट्री में तैयार होते हैं. आज आप हमें क्या बताने वाले हो? वो ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बैट और बॉल आमतौर पे एसेंशियल पार्ट्स माना जाता है गेम का, लेकिन इसके अलावा ये मेरठ के आउटस्कर्ट्स में बहुत एक शानदार सी जगह है. मैं शानदार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप जिन लोगों की मेहनत आप देखने वाले हैं खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर बैट्स जो लोग सीजन बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि कॉस्को की बॉल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो लोग सीजन बॉल से खेलते हैं, यानी ये गेंद जब लोग सीजन बॉल क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पैड्स आते हैं, आपके शिन गार्ड्स आते हैं, आपके जो थाई गार्ड हो गए वो आते हैं, इसके अलावा एल्बो गार्ड्स आते हैं, ग्लव्स आते हैं. तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि एक तो इनके बनने के पीछे कितनी मेहनत है, कितना टेक्निकल काम है ये, और दूसरी बात ये कि पूरा प्रोसेस क्या है. तो बिंग घुमक्कड़ के आज पूरे के पूरे व्यूअर्स को हम ये दिखाने जा रहे हैं कि बैट और बॉल तो आपने देख लिया, बेसिकली कैसे बनते हैं क्रिकेट में. तो यहाँ पर अब हम आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाने जा रहे हैं कि ये अलग अलग चीज़ें बन रही हैं. इस वक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ बन रही है, कहीं पर ग्लव्स का काम हो रहा है, कहीं पर पैड्स का काम हो रहा है, कहीं पर थाई गार्ड का काम हो रहा है, और यही सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनली इन तरह के प्रोडक्ट्स का शेप लेती हैं. मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अरुण भाई इस तरफ भी दिखाएं. ये पूरे प्रॉपर पैड्स हैं जो कि अब बन चुके हैं और ये मार्केट में उतरने के लिए तैयार हैं, प्लेयर्स पहनने के लिए तैयार हैं. ये इस ग्लव्स के मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद हम इसके पूरे बेसिक प्रोसेस पे जाएंगे कि किस तरह से स्टार्ट होता है. बेसिकली ये जो है ये विराट कोहली स्टाइल ग्लव है. इसकी जो मेकिंग है, इसका जो एक तरह से इसे जो फॉर्मेट दिया गया है, वो स्पेशली उसे विराट कोहली स्टाइल कहा जाता है, और ये बिकते भी इसी नाम से हैं, विराट कोहली स्टाइल नाम से इसी नाम से बिकते हैं कि ये विराट कोहली डिज़ाइन है. कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो इसका अलग अलग कलर आप देख रहे हैं, एक ये जो कलरिंग है इसकी, और प्लस जो इसका पैटर्न है, एक ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये इसको थोड़ा सा खास बनाती है. आमतौर पर अगर आप ग्लव्स को देखें तो ग्लव्स सिंपल ऐसे होते हैं, है ना, इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं. खास तौर पे जब आप डेज क्रिकेट खेलते हैं तो आप इन तरह के ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं. आप जब थोड़ा सा कलर क्रिकेट में आते हैं, जैसे T20 हो गया या ODIs हो गया, वो चीज़ भी आती है. और एक जो स्पेशल है वो यहाँ पर जहाँ पर हम आए हैं, ये इन लोगों की थोड़ी सी खास डिज़ाइनिंग है. इस डिज़ाइनिंग को मैं आपको ऑन पेपर भी दिखाऊंगा कैसे ये डिज़ाइन ऑन पेपर होता है, लेकिन ये अगर आप इसको अगर आप देखें तो ये एक और स्ट्रक्चर है जो यहाँ का अपना एक्सक्लूसिव, जिसे हम कहते हैं वो स्टाइल है, अपना एक्सक्लूसिव. यहाँ पे ये जो अभी तैयार हो रहा है आप देख सकते हैं, ये ग्लव्स का अपर पार्ट तैयार हो रहा है. ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये जो हमें रोहित ने पहले बताया था कि यहाँ का एक्सक्लूसिव डिज़ाइन है जो यहाँ पे बन रहा है, उसका ऊपर वाला पोर्शन ये यहाँ पे तैयार हो रहा है. इसे हमें समझाने के लिए यहाँ पे संजीव भी है जो ओन करते हैं इन सारी चीज़ों को. संजीव, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि ये इस आइडिया के बारे में आप थोड़ा सा बताएं. ये आप लोग ड्रॉ करते हैं पहले पूरा पेपर शीट पे और उसके बाद फिर ये डिज़ाइन तैयार होता है? ये सर पहले इनकी कटिंग वगैरह होती है, कटिंग होने के बाद ये धीरे धीरे मशीन पे एक एक पीस इस तरह से जुड़ता है. ये पहले पार्ट जुड़ेगा, फिर ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, फिर ये चौथा पार्ट. ये चौथा पार्ट बनने के बाद ये धीरे धीरे चलता जाएगा. चलने के बाद इसके बाद अभी थोड़ा सा ग्लव्स था भैया के पास, उसको इस तरह से रेडी करेंगे कि इसके अंदर एक लेदर होता है, सॉफ्ट लेदर, जिसे शीप लेदर बोलते हैं. ये लेदर हो तो शीप लेदर, जी जी, ये सॉफ्ट लेदर होता है जो पहन के कंफर्ट करता है अपने आप को, एक इस तरह से.
ये हो गया, ये लेदर होता है, ये इस तरह से कंफर्टेबल, और ये पहनने में पकड़ थोड़ी बढ़िया रहे, बल्ले को पकड़ने में ग्रिप वगैरह सब चीज़ बढ़िया रहती है। तो इस तरह से ये कंप्लीट है, ये हमारे हाथ में इस टाइम कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट। ये एक चीज़ है जो संजीव ने बताई दिवांजलि, इसमें दो चीज़ें हैं, जब आप जब एज अ प्लेयर आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप सिर्फ दो चीज़ें देखते हैं, एक आपके हाथ में कितना कंफर्टेबल है ये, और दूसरा कंफर्टेबल के साथ आप देखते हैं प्रोटेक्शन कितनी है इस पे। सर ये सीट इसके अंदर डलती है, और ये जब भी ये जो मोटी फिंगर होती है इसके डलने के बाद ही मोटी फिंगर हो पाती है, और जी जी ये सारी इसके अंदर शीट डलती है, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े करके इसके अंदर डाले जाते हैं, फिर इसके बाद आता है विराट कोहली मॉडल, जो विराट कोहली बना रहे इसके अंदर ये वाली कॉटन भरी जाती है, जो विराट कोहली डिज़ाइन कहते हैं मॉडल, इसमें क्या होता है ये इसके अंदर ये वाली कॉटन भरी जाती है, ये इसके अंदर भरी जाती है, मैं दिखाता हूँ, ये इस तरह से कॉटन भरी जाती है इसके अंदर, ऐसे। अच्छा कितनी क्वांटिटी डालनी है, क्या है वॉल्यूम, क्या होनी चाहिए उसकी, ये संजीव आपको थोड़ा सा क्लियर बता पाएंगे, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं संजीव मेरे हिसाब से, एक तो इसमें आप ये चीज डालते होंगे, दूसरी जो आपने हमें वो इक्विपमेंट दिखाया था प्लास्टिक इक्विपमेंट, ताकि ये अगर आप सिर्फ ये इस पे सिर्फ ये फॉर्म भर देंगे तो ये बहुत इजीली प्रेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगी, और दूसरी बात ये कि फिर अगर गेंद लगेगा तो उसको आप महसूस भी कर पाएंगे, जबकि ये जो हार्ड चीज़ है ये बेसिकली आपको बचा रही है, तब भी प्लेयर्स के फिंगर इंजरी हो जाती है ना, लेकिन इसको लेकर के जो विराट कोहली से नाम दिया गया है, इसको लेकर के खास वजह क्या मानते हैं आप सर? पैटर्न इसका या इसका डिज़ाइन पर ये विराट कोहली मॉडल है, विराट कोहली देखो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, वो अपना में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसे देख के ही सब आप जो भी होता है किसी बड़े उपलब्धि को देख के ही अपने ये चीज पहनने की कोई चॉइस करता है, तो ये उसी तरह का मॉडल बनाते हैं, हर प्लेयर देखो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वे पता नहीं इसको हम काफ़ी रेंज में देते हैं, पर हम उसे बहुत ही ना कम रेंज में जो प्लेयर पहन के अपना काम पूरा खेल सकता है। तो अभी आपने ये बताया ये रोहित शर्मा आपने बताया डिज़ाइन है, तो इसमें क्या डिफरेंस है कुछ अलग तरीके? प्लेयर का अपनी अपनी चॉइस होती है, प्लेयर देखो मैं बताऊँ ये विराट कोहली है, विराट कोहली को ये डिज़ाइन पसंद है, सबके अपने अपनी चॉइस है, कोई क्या पहनता है कोई क्या पहनता है, मतलब अंदर इसके जो भी मटेरियल डलता है उसमें कोई फर्क नहीं है? मटेरियल में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, किसी को सीट का जोड़ा होता है, जैसे ये कट फिंगर मान लो ये विराट इसके अंदर ये कॉटन वाला होता है, वो थोड़ा सा ये होता है, और उसमें वो जो है वो सीट वाला होता है, ये सीट वाली अभी मैं आपको एक सीट डाल के दिखाता हूँ एक ग्लव्स में, फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्लव्स है उसका अपर सेक्शन और जो लोअर सेक्शन है वो दोनों एक एक करके तैयार होंगे, मतलब इस वक्त पे जहाँ काम चल रहा है वो ये वाला एरिया है, और उसके बाद फिर इस वाले एरिया पे काम चलेगा, और उसके बाद फाइनली इसकी जब फाइनल स्टिचिंग हो जाएगी तो ये इस तरह से दिखाई देगा आपको, जो कि फिर मार्केट पे उतरता है, और फिर इसे जो विराट कोहली नाम आप समझ ही रहे हैं कि उनका स्टाइल है, ये उनका एक्सक्लूसिव स्टाइल है, तो ये फिर मार्केट में उतरता है, और उसके बाद आप देखते हैं कि लोगों की खूब मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा संजीव बिकने वाली चीज़ भी यही होगी है ना, विराट कोहली का नाम इस वक्त पे इतना चल रहा है कि आप रेंज भी फिर ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये विराट कोहली के नाम से बिकता है। हमारे अच्छा क्योंकि ग्लव्स सेक्शन से अब हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक ग्लव्स को बनने में कितने लोगों के हाथ से गुजरता है, और उसमें मेहनत मतलब एक ग्लव्स को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना मेहनत तो काफ़ी लगती है, एक दिन में एक कारीगर जो होता है वो तीन या चार पेयर बना पाता है। अच्छा हाँ जी, तो एक दिन में तीन या चार पेयर बन जाते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं बन पाते। अच्छा। हाँ, हर कारीगर के हाथ में अलग अलग काम लगा हुआ है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो हर ये पेयर है एक दिन में दो ही पेयर बनते हैं, ये वाले तीन या चार बन जाते हैं। एक दिन में फिर अप्रोक्सीमेट कितने तक की सप्लाई हो जाती है, मतलब कितने ग्लव्स बन के तैयार हो जाते हैं? ये समझ लो 40-50 पेयर तैयार हो जाते हैं, अब आप देख रहे हो इतने सारे कारीगर लगे हुए हैं, तो इतने सारे लगने की वजह से 40-50 पेयर हो जाते हैं। फिर अब रोहित इसके बाद का क्या प्रोसेस है? ग्लव्स तो हो गए, अब हम दूसरे अब हम पैड्स, हाँ लेग गार्ड्स भी इन्हें कहते थे, क्लासिक नाम इनका लेग गार्ड्स ही है, और ये आप देख सकते हैं बोलते हैं SS का सुपर टेस्ट, SS बड़ी कंपनी है, एक सुना होगा आपने, वो देखो बड़ी कंपनी है, उनका जो लेग गार्ड है ये टेस्ट है, जो बड़ी कंपनी है उन्हें बड़ी उपलब्धि नाम दे रखे हैं, उनके नाम से ही विख्यात होते हैं, हम तो उनके थोड़े से डाउन है, तो उनकी हम नकल कर सकते हैं, ये चीज़ है।
तो ये टेस्ट लेग गार्ड है, ये लाइट वेट लेग गार्ड है, ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये ज़्यादातर बड़े बड़े प्लेयर यही लेग गार्ड पहन के खेलते हैं। भी डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग तरीके। ऑब्वियसली इनमें जैसे आप ये देख रहे हैं ये थ्री स्ट्रैप है, टू स्ट्रैप भी आप देखेंगे इन्हें, खासतौर पे एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर जो है वो टू स्ट्रैप ही पहनते थे और उनका जो पैड होता था वो टू स्ट्रैप होता था। लेकिन कई बार ये शिकायत होती है खासतौर पर कि क्योंकि ग्रिप आपको बहुत अच्छी बनानी होती है, ऐसा नहीं कि क्रिकेट खेलने के दौरान जब आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स करें तो उसके बाद पैड आपका लूज कर जाए, है ना, तो वो चीज़ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब हम इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं क्योंकि इसे बनाने में जो मेहनत लगती है वो शायद ग्लव्स की तुलना में ज़्यादा या कम, वो तो ये एक्सपर्ट लोग हैं ये लोग बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है संजीव कि इसको लेकर के थोड़ा सा चैलेंज इसलिए भी ज़्यादा रहता होगा क्योंकि इसमें फिलिंग ज़्यादा है, इस पर आपको स्टिक भी शायद आप बम्बू की एक जो डंडी होती है उसे भी डालते हैं ताकि इसको थोड़ा सा और सरफेस और फिर इसमें नी रोल का काम अलग से करते हैं आप या लोअर पार्ट आप अलग बनाते हैं और नी रोल एक साथ बनता है? तो बाद में होता ही है, तो पहले एक ढांचा, जैसे ये आप कंप्लीट, ये आपका ढांचा चला है, इस तरह से ढांचा होता है, ये ढांचा बनने के बाद इसके बाद इसे कंप्लीट करा जाता है, रुई भरी जाती है, सोटी डाली जाती है, ये सोटी होती है, इसके 10 सोटी डाल है मेरे पास, निकाल ला के दिखाऊं? हां बिल्कुल, आप ये सोटी इसके नीचे से बैठे सोटी निकाल के लाओ, ये सोटी होती है, ये इसके अंदर डलती है, ये इस तरह से इसके अंदर डल जाती है, फिर इसके ऊपर ये जो लवलोन होती है हमारी, ये इसके ऊपर आती है, ये अंदर की साइड में यहाँ से डलती है, इसके अंदर से यहाँ पर ये बंद कर देना पड़ता है, ये आप देख रहे होंगे यह यहाँ पे ये बंद कर रखा है, ये सोटी इसके अंदर डलने के बाद ये पीछे की साइड पहुँच जाती है, ढक जाती है और ये लवलोन ऊपर आ जाती है, तो ये सेफ मतलब सफाई दिखने लगती है। और क्या क्या चीज़ें हैं फिर पैड में? देखिए दो चीज़ें, जो एक इसको प्रोसेस रहता है बनाने का उसमें आप संजीव जो मैंने एक चीज़ देखी थी कि लोअर पार्ट ऑफ द ये जो शिन एरिया है जिसको आप शिन गार्ड भी कहते हैं, जो आपके यहाँ तक के एरिया को प्रोटेक्ट करता है और उसके बाद फिर ये नी रोल होता है, क्या आप इसकी अलग अलग सिलाई करते हैं या ये पूरा एक साथ बनता है? नहीं, ये अलग अलग पार्टिशन होता है, ये यहाँ तक अलग हिस्सा, ये यहाँ तक वही मैं, ये पहले ये हिस्सा सिला जाता है, फिर ये वाला अलग होता है, ये टोपी अलग होती है, ये चीज़ ये सिलाई आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ से अलग से ये बाद में जुड़ती है, ये जुड़ने के बाद पहले ये इतना पार्ट होता है तो यहाँ तक ये सिल दिया गया, फिर इसके बाद ये सिलते हैं, फिर इसके बाद ये सिला, तो ये कंप्लीट हो जाए, ये आपका नी रोल कहलाता है। और कभी भी आप देखें कि बॉल जब यहाँ पर लगता है तो इस पे स्टिक्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है, यहाँ पे अगर आप स्टिक लगाएं हाँ ऊपर वाले पे, क्योंकि यहाँ पर आप फॉर्म ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया फिर भी आपके शरीर से जुड़ता नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा एयर पे रहता है, तो इस पे हाँ ईजी रहेगा, ये भंगने में थोड़ा जब रन लेते हैं तो रन लेते में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाती, ये अड़ता नहीं है, चाहे आपको शॉट्स भी खेलो सिर्फ रन लेते हुए नहीं, आप फ्रंट फुट पर आगे आकर ऐसे करके शॉट खेल रहे हैं तो फिर आपका पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं रहेगा, वो बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा, तो उस तरह से इसको बनाया जाता है। आप डबल स्ट्रैप भी बनाते हैं या सिर्फ तीन स्ट्रैप वाले ही बनाते हैं? डबल स्ट्रैप भी बन जाता है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं या कुछ उसके नुकसान होते हैं या फायदा रहता है? बस दो स्टेप होते हैं तो हर किसी प्लेयर के अलग 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 होते हैं, दो पे ऐसा होता है, मतलब क्या ज्यादा डिफरेंस क्या होता है? नहीं, ग्रिपिंग का ही डिफरेंस होता है संजीव, जो पहले सचिन तेंदुलकर पहन के खेलते थे दो स्टेप में खेलते थे, एक ये दो, वो तीसरा स्टेप ये वाला नहीं था उसमें, अब जो प्लेयर है अब देखो समय बदल चुका है, पहले प्लेयरों में और अब के प्लेयरों में बहुत धरती आसमान का अंतर हो चुका है, तो अब के प्लेयर जब भागते हैं तो भागते दफे ये कभी कभी दो ग्रिप की एक ग्रिप टूट जाती है, तो टूटने की वजह से प्लेयर दिक्कत आ जाती है, तो अब ये तीन होने की वजह से वो मतलब पैर में बिल्कुल फिट रहता है, अगर एक टूट भी जाएगी तो दूसरी उसे रोके रखेगी, वो भागने में कोई दिक्कत नहीं होती। और कई बार ये जो तीसरी वाली स्ट्रिप होती है ना, ये स्ट्रैप होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा आपके पाँव को बांध देता है, कई बार ऐसा होता है जो मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया, और ये जो दो है ये आपको प्रॉपर मतलब आपको लगता है अपने पैड्स पहने भी हुए हैं और आपका पाँव भी बहुत ज़्यादा फ्री है, तो मुझे लगता है कि कई बार शायद इस वजह से प्लेयर्स ऑप्ट आउट करते होंगे, क्योंकि जैसे ही आप ये इसको ग्रिप करते हैं पूरी कस के, जब आप इसको खींचते हैं और फिर उसके बाद आप इसको ग्रिप करते हैं तो उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ जो है वो लगता है जैसे बहुत एकदम आपका पाँव बंधा हुआ है, और आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स बिना पैड्स के करें और पैड्स के करें तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, तो ये इसकी चीज़ है। संजीव, इसको लेकर के और कोई फिनिशिंग टच जो होता है, ये जो आप कलरिंग्स, इसको कोई स्पेशल पैटर्न
ये तो जैसे आप 4 डे क्रिकेट या 5 डे क्रिकेट उसमें ज्यादा सेल आउट होता है। इसके कलर्स को लेकर के आप लोग खुद फैसला लेते हैं या मार्केट की तरफ से ही आता है? मार्केट की तरफ से फैसला होता है, ये तो मार्केट की, इसको हर प्लेयर के अलग अलग चॉइस होते हैं। अब जैसा आईपीएल चला, आईपीएल में हर नीला कलर चलता है, व्हाइट कलर चलता है, कोई येलो कलर चलता है, रेड चलता है। अब चेन्नई सुपर किंग है वो येलो कलर बनवाती है। अब येलो कलर की इस तरह से हमारे पास ग्लव्स बने हुए हैं, ये ऐसी इस तरह से हर टीम के अपने अपने एक रणजी प्लेयर होते हैं, रणजी प्लेयरों में अलग अलग कलर ले लेते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक रेडी फॉर मार्केट, जिसे आप कह सकते हैं कि मार्केट पर उतरने वाला पैड है जो पूरी तरह से तैयार है। इसको बनने में कितना टाइम और इसकी कॉस्टिंग क्या है? इसके बनने में समथिंग ये समझ लो एक लेग गार्ड को बनाने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे जी जी, एक लेग गार्ड को पूरा कम्प्लीट करने में एक कारीगर को 3 घंटे लगते हैं। बाजार में बस कॉस्टिंग तो देखो लेने वाले के ऊपर बात होती है, आप कॉस्टिंग की तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई बंदा पता नहीं कितना रहने वाला आपका, हर तरीके का अपने अपने सबकी अलग अलग रेंज के हिसाब से। ठीक है, तो दो अहम चीज़ें आपने देख ली हैं, पहले हमने आपको ग्लव्स दिखाए थे और विराट कोहली स्टाइल ऑफ ग्लव्स, उसके बाद हमने आपको दिखाया एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं उसी तरह के पैड्स हैं, हालांकि इसको थोड़ा सा मुंबई इंडियंस का कलर दिया गया है, गोल्डन और ब्लू का टच इसे दिया गया है। अब हम जाते हैं तीसरी चीज़ की तरफ, जो एक और बहुत अहम है, लेकिन इस वक्त पे आप क्रिकेट में उसे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हुए नहीं देख रहे हैं, वो है रिस्क गार्ड। तो ये एल्बो गार्ड है, इसे रिस्ट भी कहते हैं, खास तौर पर इस जगह पर यूज़ की जाती है। पहले के प्लेयर्स को आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, आजकल इसका क्या है इसका? बेसिकली ये हिस्सा जो होता है आपका ग्लव्स के बाद उसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अब बीते दिनों में क्या हुआ कि इसको लेकर के ना बहुत ज़्यादा रूल ये कहता है कि अगर आपने ग्लव्स पहने और आपने रिस्ट भी एल्बो भी पहना हुआ है तो अगर गेंद एल्बो पे भी लगेगी और कॉट हो जाती है स्लिप्स पे या कहीं पर भी तो आप कैच आउट माने जाएंगे। तो मतलब ये आपके बैट और ग्लव्स के अलावा ये एक और चीज़ हो गई आपको आउट कराने की, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन इसके हटते ही साथ कई सारी इंजरीज हमने ऐसी देखी है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी, चाहे सनत जयसूर्या का मुझे 2003 का किस्सा याद आता है, मुझे ग्रिम स्मिथ का हाथ टूटा था वो भी याद आता है। तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पे आप जो क्लासिक प्लेयर्स देखेंगे, राहुल द्रविड़, आज भी अगर आप रहाणे को देखेंगे तो वो इसे पहनते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट में देखेंगे तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। संजीव, इसको आप बहुत ज़्यादा बनाते हैं या फिर मार्केट में इसको अभी उतनी सप्लाई नहीं है, इसकी डिमांड नहीं है? पूरी सप्लाई होती है, देखो मांगने वाले के प्लेयर है, अकेडमी वगैरह, अकेडमी में पूरा ही प्लेयर पूरी ही किट पहन के खेलेगा। ट्रेनिंग के दौरान ये जरूरत होती है। बॉल देखो 150 की स्पीड से आ रही है, वो कहीं भी आ सकते हैं, शरीर पे पूरा अंग है हमारा, वो बाउंस करी है हमारी कोहनी पे, बाई चांस ये यहाँ लगी, कोहनी की हड्डी टूट गई, इसके कौन जिम्मेवार होगा? तो इसलिए अकेडमी वगैरह में सब चीज़ ये यूज करने के बाद ही उसकी एंट्री होती है। तो ये हम ये कितने कितने वक्त में बन जाता है? ये तो हमारे पास एक दिन में क्वान्टिटी के हिसाब से यानी कि 50 पीस बन जाते हैं। इसमें इतना काम नहीं होता बनाने के लिए, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है इसमें बनाने के लिए। ये अच्छी बात बताई कि मार्केट में अभी भी इसकी सप्लाई जो है वो है दिवंत जी, खासतौर पर जो आपने भी पॉइंट उठाया कि ट्रेनिंग के। अब इसके बाद एक जो लास्ट पार्ट है इस जगह का वो है थाई गार्ड, यानी जो पैड्स के ऊपर पहने जाते हैं और ये अंदर से पहने जाते हैं, वो आपको एक लास्ट तस्वीर दिखाते हैं। ये है आपका थाई गार्ड बेसिकली, इसको आप ट्राउजर्स के अंदर, ये आपको कभी भी प्लेयर्स के बाहर से पहना हुआ नहीं नजर आता होगा, इसको प्लेयर्स अंदर से पहनते हैं, प्रैक्टिस के दौरान कई बार पहन लेते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। ये थाई गार्ड है, ये बाई चांस जब प्लेयर खेलता है तो प्लेयर ये बांधने के बाद यहाँ पर यह गेंद होती है, यहाँ हमारा हड्डी होती है, तो यहाँ पर बांध लगने एकदम गेंद लगती है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दर्द होता है गेंद लगने के बाद, तो इसलिए सेफ्टी के लिए ये बना दिया गया है, ये इस तरह से बना दिया, ये इस तरह से, तो गेंद है तो गेंद आएगी तो ये अपनी 150 की स्पीड आती है तो 150 की स्पीड को ये झेल सकती है अपनी गेंद ये पहनने के बाद कोई। हाँ जी, हार्ड से बना हुआ होता है। अलग अलग चीज़ें होती है, कार्डबोर्ड भी यूज़ होता है और मेन जो मटेरियल है वो ये शायद प्लास्टिक डाला हुआ है, प्लास्टिक होती है जो इसका सबसे टॉप पे, ये तो प्लास्टिक ही है, आप इसको आप इस पर मार के भी अगर आप इस पर अंदर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है, ये वाली ये जो आप देख रहे होंगे ये लाइनिंग सी, ये इसके ऊपर ही है और ये शीट इसके अंदर डलती है, ये वाली ये अंदर शीट जिससे ये गेंद ना लगे। अगर आप इस पर गेंद मार के देखें तो देखिए वो साउंड आ रहा है, जैसे आप आम तौर पर इस पर जो गेंद लगती है वो बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि वो आपने फेस इसी तरह से कर रखा होता है, तो यहाँ पे जो आपका हिट होगा, इस जगह पे जो आपका हिट होगा
वो बिल्कुल सीधी आती हुई गेंद होगी। आमतौर पर आप इधर जो गेंद लगती है वो उसको उससे आप बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आती है वो बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना सीधा कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, तो वो बहुत तेज लगती है। ये आपने ना पहना हो तो फिर इधर ये जो इंजरी है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये आपका इधर हो सकता है। इसको बनाने में कितना वक्त लगता है? इसको बनाने में भी ज़्यादा वक्त तो नहीं लग पाता है, एक दिन में 10 हज़ार आराम से एक कारीगर बना सकता है। अच्छा, तो ये बेसिकली चार चीज़ें थी जो हम बताना चाह रहे थे, और इसमें जैसा हमने शुरुआत आपको बताई ग्लव्स के साथ की थी, उसके बाद फिर हमने पैड्स का काम देखा, अलग अलग तरह के ग्लव्स हैं, अलग अलग तरह के पैड्स हैं, और ख़ास तौर पे लोगों की मेहनत है जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से। मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं सबको कि सबकी जो मेहनत है वो बड़ी दिलचस्प है, यहाँ पर एक एक चीज़ बहुत सिस्टमेटिक वे में हो रही है, और टेक्निकलिटी बारीकी से हर काम हो रहा है। तो एक एक शख्स के हाथों में इस वक्त पे कुछ ना कुछ है, एक ही चीज़ जो है वो अलग अलग टेबल से होकर गुजर रही है, और फिर एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसे इन शॉर्ट इन सारी चीज़ों में तब्दील किया जा रहा है। बिल्कुल, तो आपने इस वीडियो में देखा कि क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स में जो प्रोटेक्टिव गियर्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, हर चीज़ हमने आपको दिखाई। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और ऐसी ही वीडियोज़ को और देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।